लोग पुतला दहन इसलिए कर रहे हैं कि हमारे नेताजी आनंद मोहन पटना जो है एक केस के सिलसिले में पेशी पर गए थे। पेशी पर जो गए थे तो सेकेंड हाफ में सुनवाई होनी थी, उसके बीच में नेताजी की तबीयत खराब हो गई। वे अपनी फैमिली डॉक्टर से दिखाने के लिए पाटलिपुत्रा चांद मेमोरियल हॉस्पिटल गए हुए थे। इसको इतना बड़ा बवाल बना दिया गया बीजेपी वालों के द्वारा, ये गिरिराज सिंह के द्वारा, सुशील मोदी, नितिन नवीन, संजय जायसवाल, ये लोग का जो बयान आया है वह नेताजी के खिलाफ़ में अनर्गल बयान आया है, बेबुनियाद बयान आया है और अपमान करने वाली बयान आया है। हम फ्रेंड्स ऑफ आनंद के लोग और नेताजी के चाहने वाले जितने भी बिहार में लोग हैं, क्या अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं? माफ़ी मांगना और उन लोग को माफ़ी मांगना पड़ेगा। और आगे 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा और 25 में जो विधानसभा चुनाव होगा, तो आनंद मोहन को चाहने वाले पूरे बिहार के लोग बीजेपी को धूल चटाने का काम करेंगे और गिरिराज सिंह, संजय जायसवाल और सुशील मोदी उसके क्षेत्र में जाकर के हम लोग उसके खिलाफ प्रचार करेंगे और उसका जमानत जब्त कर देंगे।